नई सरकार के गठन के बाद लोकसभा के नए सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है। भारी हंगामे और विरोध के बाद आखिरकार नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो गया। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। बिरला के अध्यक्ष बनने के बाद बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सदन के अंदर और बाहर तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी और साथ ही नसीहत भी दी और तंज भी कसे। इसी कड़ी में उद्धव गुट वाली शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पहले मैं ओम बिरला जी को बधाई देना चाहूंगी क्योंकि उनका ये दूसरा टर्म होगा और इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि उनके खिलाफ एक प्रतिद्वंदी था, ये कंसेंसस वाला इलेक्शन नहीं था उनके लिए। और खास करके इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उनको वही उसी तरीके का बहुमत मिला था जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में मिला है। उनको याद दिलाना जरूरी था कि अब यही सिर्फ किताब है जिसके आधार पर उनको चलना पड़ेगा। डिप्यूटी स्पीकर का जो रिवाज रहा है, डिप्यूटी स्पीकर विपक्षी पक्ष से होता है, वो उसका उनको हमें कॉन्फिडेंस देना होगा। इससे हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, हम जानते थे हमारे पास आखिरी समय, पर ये ध्यान दिलाना जरूरी था कि अब जो भी बातचीत होगी सत्ता पक्ष और विपक्ष में पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के अनुसार और संविधान को आगे। एक बात राहुल गांधी जी ने कही कि हमारी भी वॉइस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, नंबर बढ़ा है, हमें उम्मीद है, आशा है कि हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। जी बिल्कुल, जो राहुल गांधी जी ने एज एन एलओपी कहा है वो हम सबकी मन की बात है कि अब जो होगा जन की बात होगी, जन आधार पे होगी और जन आधार के हिसाब से विपक्ष को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है जितनी सत्ता पर। वहीं लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद ओम बिरला ने सदन को संबोधित किया। उनके संबोधन के साथ ही सदन में हंगामे का दौर भी शुरू हो गया। ओम बिरला ने आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर इंदिरा गांधी सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की, जिसके बाद सदन में भारी हंगामा हुआ। क्या कुछ हुआ आप खुद ही देख लीजिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जोर विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।